बेनिफिट होता है? पहले तो हम टेम्पलेट एक सर्च करके निकालते हैं। एक तो बूटस्ट्रैप आपने पढ़ा, इससे आपको ये आइडिया हो गया कि आपके पास जो ओवरऑल वेबसाइट बनाने का जो टाइम था वो रिड्यूस हो सकता है बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने से, क्योंकि इसमें कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स हैं। लेकिन बने बनाए कंपोनेंट्स के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज वो बूटस्ट्रैप आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें ये बटन को इसने फुल साइज पे कैसे किया, तो आप बटन को विर्थ देने की कोशिश करेंगे, है ना? बटन को विर्थ नहीं देनी है। ठीक है, तो बटन को विर्थ अगर देनी है तो वो कैसे देनी है? उसको ईएम में करके देनी है, ओरिजिनल वाले को ओवरराइड कैसे करना है प्रॉपरली, ऐसा ना हो ना कि पूरे कोड में वो ओवरराइड हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें भी साथ साथ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस फ्रेमवर्क को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, उस फ्रेमवर्क की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, अब टेम्पलेट जो है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है। और मैंने यहाँ पे लिखा HTML5 टेम्पलेट, इमेज में गया। अगर ऐसी वेबसाइट आपको बनी बनाई मिल जाए इस तरह की, सही है, और आपको सिर्फ क्या करना हो, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना हो, मिसाल के तौर पर किसी हेयर ड्रेसर के लिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपके पास हेयर ड्रेसर की जो वेबसाइट है ना, ऐसी वेबसाइट एक आपको बनी भी मिल जाए और आपने जस्ट लोगो चेंज करना है, इमेज शायद चेंज करनी पड़े, ठीक है, ये ऑप्शंस वगैरह जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप रिप्लेस करेंगे अपने टेक्स्ट से और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छा है ना। तो टेम्पलेट्स हम यूज़ करने जा रहे हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं फ्री टेम्पलेट लिख देता हूँ। वैसे आमतौर पर ये टेम्पलेट पेड होते हैं, जो अच्छे वाले टेम्पलेट होते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी जो फ्री टेम्पलेट्स भी देती है आपको, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा टेम्पलेट पसंद आ जाए जो पेड हो, तो मे बी आप पैसे दे के उसको ख़रीद लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं टेम्पलेट, आमतौर पर $5-10 के होते हैं। बहुत महंगा कोई होगा तो $20-25 का होगा, आमतौर पर इससे ज़्यादा टेम्पलेट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो 20-25 वाले जो होते हैं, वो टेम्पलेट फिर सिर्फ वेबसाइट का नहीं होता, वो फिर मोबाइल का भी होता है और वो टैबलेट का भी होता है और वो वेबसाइट का भी होता है। उसमें काफ़ी सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसमें पूरा लोगो का पूरा पैकेज होता है, विजिटिंग कार्ड वार्ड सब होता है उसके अंदर, वो पूरा एक पैक होता है जो $25 बहुत रकम होती है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, सिर्फ मोबाइल या सिर्फ वेबसाइट का नहीं मिल रहा होता उसमें। तो अच्छा, creativetemplate.net करके एक वेबसाइट आ रही है टॉप पे, चलते हैं ज़रा इसके अंदर क्या दे रहा है ये हमें। ठीक है, ये एक वेबसाइट का टेम्पलेट दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक ये टेम्पलेट दिख रहा है, सही है। अगर ऐसी वेबसाइट बनानी पड़े फ्रॉम स्क्रैच तो काफ़ी मेहनत का काम है, राइट, लेकिन टेम्पलेट से ये काम बड़ा इजीली हो जाता है। अच्छा जी, तो मैं ये वाला टेम्पलेट सोच रहा हूँ डाउनलोड किया जाए, ठीक है। डाउनलोड का बटन प्रेस किया मैंने और मुझे ये एक दूसरी वेबसाइट पे लेकर आ गया जहाँ पे मुझसे ये $13 चार्ज कर रहा है, बताओ ज़रा। वाह, नहीं, वो असल में कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं थी ये, इसने किसी ने वैसे ही रैंडमली ना वो करके। अच्छा, हम अगले लिंक पे चलते हैं। W3 नहीं, असल में मैंने ना हेयर ड्रेसर लगा दिया साथ में, तो वो इसलिए ना वो लिमिट हो गया, वो एक कैटेगरी पर लिमिट हो गया। ये मैं हटाऊंगा ना तो बहुत सारे आ जाएंगे। HTML5up.net करके एक आया है मेरे पास, ठीक है।
ये फ्री डाउनलोड है, देखो इन्होंने टैबलेट मोबाइल और वेब तीनों का दिया हुआ है और उसके बावजूद फ्री डाउनलोड है। अच्छा ये जो एक एक वेबसाइट है हाइपर स्पेस करके जो टेम्पलेट का नाम है, ये एक ऐसा जेनेरिक्स है कि उसको मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ। आमतौर पर डिज़ाइनर्स वगैरह पे या कोई ऐसा इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह का बिजनेस है उस पर मैं इसको बहुत ईजिली अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये टॉप का इसका पेज एक जेनेरिक कलर है, उसके नीचे कुछ इमेजेस वगैरह भी होंगी। लाइव प्रीव्यू का बटन दबा के देखता हूँ क्या होता है। सही है, ये लाइव प्रीव्यू इसका मुझे दिखा रही है। सही है, ये लाइव प्रीव्यू है। फ़ोन नंबर वगैरह आपने लगाया अपना और ये वेबसाइट हो गई आपकी। डाउनलोड का बटन दबाते हैं। क्या बोला इसने डाउनलोड पे? अच्छा हो गया डाउनलोड, हो गया। हाँ हाँ सब लगा हुआ है इस पर। शो इन फाइंडर, ये फाइंडर में आ गया। जिप फाइल दी है इसने मुझे। इस जिप को मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरा टेम्पलेट जो है ना ये तैयार मौजूद है। इसमें चार पेजेस हैं, ये देख लो, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी करूँगा। अच्छा ये कॉपी तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे लेकर आऊँगा मैं और ये CSS के फोल्डर में ला के छोड़ दूँगा इसको। और मैं क्या कहूँगा कि ये 12.template, सही है। और ये था मेरा 11.bootstrap। अब ये मेरा जो टेम्पलेट है ना, देखो अब ये बिल्कुल तैयार टेम्पलेट है। इसमें इंडेक्स का पेज जो होता है वो सबसे पहले ओपन होता है, आप सब लोगों को पता है। तो इंडेक्स के पेज पे जाऊंगा मैं और जाके इसको लाइव का बटन दबा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी मशीन में ये पूरी की पूरी वेबसाइट ऐसे ओपन हो गई है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये हाइपर स्पेस चेंज करना है। कैसे करूँगा मैं हाइपर स्पेस चेंज? मैं जाऊंगा मेरे कोड एडिटर में, इन सबको बंद कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे कोड एडिटर चाहिए इधर और वो चाहिए उधर। अच्छा मैं कंट्रोल एफ करूंगा और हाइपर स्पेस ऐसे पेस्ट करूंगा उस पर। ये डायरेक्ट मुझे H1 पे लेकर आया जहाँ पे हाइपर स्पेस लिखा हुआ है। और इस पेज में तीन और जगहों पर हाइपर स्पेस का जिक्र है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उन तीनों को सेलेक्ट करूँगा। Ctrl D दबा के मैं ये कर रहा हूँ, तीनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, किसी भी एक टेक्स्ट को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐसे करके और Ctrl D दबाता हूँ, ठीक है, तो ये वो सारे उसके जो अकरेंस है ना वो सबको सेलेक्ट कर लेता है। मैं बैक स्पेस दबाऊँगा और यहाँ पे अब मैं क्या लिखने लगाऊँ, मैं लिखूँगा SMIT। ठीक है, वेब डिवेलपर्स, सही है, चेंज हो गया ये। जिंदगी का राज खुल के सामने आ गया। सही है भाई, कल तक वेबसाइट बनाना बहुत बड़ा काम लग रहा होगा ना, आज लग रहा है कि यार ये क्या है, ये तो प्रैंक हो गया। मेरा मसला नहीं है, वो कुछ भी करो। 5 वेबसाइट जो दी थी मंडे को मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है, मंडे अभी जो आएगा, परसों मंडे, आज का बोला था नहीं, किसी मंडे का करो। चलो मंडे को, खैर हो भाई, कोई मसला नहीं। नहीं, अगर किसी ने जो है वो फ्लैक्स बॉक्स को लेकर स्टार्ट किया था तो वो उसी पे बनाए बेहतर है, क्योंकि आपका हाथ सेट होगा उस पर। ठीक है, अगर टेम्पलेट से भी करें तो मुझे वो मसला नहीं, मुझे तो रिजल्ट बना हुआ चाहिए। मुझे रिजल्ट्स आपसे चाहिए कि भाई मैंने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया था, इन्होंने ये बना लिया, इन्होंने ये अचीव कर लिया, तो मेरा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप वो कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, इट्स अप टू यू। मिसाल के तौर पर जैसे लास्ट मैंने डिस्कस किया था कि आप अपने सराउंडिंग के बिजनेसेस में जाएँ, पिज़्ज़ा की दुकान में जाएँ, वहाँ उनको बोलें कि यार ये ऐसी वेबसाइट होगी आपकी, तो वो पिज़्ज़ा वाला आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि आपने बनाया कैसे, उसका काम नहीं है ना पूछना। ये उसको दिख रहा है, अच्छा ये खूबसूरत सी वेबसाइट है, मोबाइल पे भी खुल जाती है, टैबलेट पे भी, वेब पे भी, ये पूछेगा वो।
ठीक है, वो ये पूछेगा इस पर लग, अब मिसाल के तौर पर देखो इसमें ना वो नहीं लगा हुआ चैट का वो आइकन नहीं लगा हुआ जो मैंने उस दिन बताया था, वो आपको इस पर हाथ से लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, टेम्पलेट में हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी आपके मतलब की, है ना। किसी टेम्पलेट में वो चैट लगा हुआ होगा तो वो स्क्रीन उसकी मेरे मतलब की नहीं होगी। अब बातें नहीं बच्चों, इधर तवज्जो दो। तो आपको अल्टीमेटली अगर खुद से फ्लैक्स बॉक्स नहीं आता होगा, खुद से पोजिशनिंग नहीं करनी आती होगी, CSS के रूल सारे आपको खुद से नहीं पता होंगे, तो ये टेम्पलेट अल्टीमेटली आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का सबब बन सकता है। अब इसमें आपने वो एक बटन लगाना है, वो आपसे लग नहीं रहा, अब आप पागलों की तरह टेम्पलेट तलाश कर रहे हैं यार मुझे बटन वाला मिल जाए, कोई अच्छा सा मिल जाए, है ना। अच्छा, आमतौर पर होता क्या है ये भी सुन लो, क्लाइंट आता है ना, जो क्लाइंट्स आजकल समझदार हैं, उनको पता है कि टेम्पलेट्स होते हैं, सही है। मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आ चुके हैं जो 4-5-6 टेम्पलेट लेकर आते हैं, खरीदे भी होते हैं सारे उसने जवान के बच्चे ने, सही है। और वो कहता है कि यार ये जो साइड बार है ना इसके अंदर, ये मुझे इस टेम्पलेट से चाहिए, नैव बार के अंदर ये जो गोल्स आ रहा है ना क्लिक करने से ऐसे होता है, ये इसमें से निकाल के लगा दो, ये मुझे चाहिए। फिर वो बोलेगा ये मुझे साइड में जो ऐसे लिस्ट आ रही है ना, ऐसी लिस्ट चाहिए, तो वो अब कैसे करेंगे आपको, है ना। तो अल्टीमेटली फिर उसमें करते ही हैं कि एक टेम्पलेट को एज अ बेस पकड़ते हैं और उसके ऊपर बाकी सारा काम हाथ से कर देते हैं, देख देख के ना दूसरे में से हाथ से कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते, मिसाल के तौर पे वो एक में बूटस्ट्रैप लगा हुआ है, एक में पता नहीं कुछ और ही लगा हुआ है, इस टेम्पलेट में कोई ना कोई फ्रेमवर्क लगा हुआ होगा CSS का, अभी हम देखेंगे तो पता चल जाएगा हमें, आओ देख लेते हैं। ये देखो एसेट्स में गया मैं और CSS में गया, देखो फॉन्ट ऑसम लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। लिप्स ये देख रहे हो, mixin.scss, breakpoint.scss, अब इसने पता नहीं कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया है, नाम मेंशन नहीं किया, अलग अलग फाइलें लगाई हुई हैं, ठीक है। breakpoint.scss में चलते हैं ना, नहीं इसने मेरे ख्याल है खुद ही लिखा है, हाथ से लिखा है, सही है, सारे ब्रेक पॉइंट्स वगैरह सब डिस्कस हुए हैं। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि SCSS की फाइल कैसे चलती है, तो आपको ये थोड़ी समझ आएगा कि ये मिक्सिन क्या चीज़ है, आपको ये थोड़ी समझ आएगा कि ये वेरिएबल है और ये एक दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, आपको ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक मिक्सिन बना हुआ है ब्रेक पॉइंट का, ये तीन वेरिएबल बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। वेरिएबल्स पूरे एक देखो वार्स का फोल्डर है ना ये, इसमें तमाम वेरिएबल एक जगह बनाकर रख दिए इसमें। अब आपने क्या करना है, आपने पूरे SCSS को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ इस वेरिएबल में आके ना चेंज करना है इसको। ये बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पे BG करके बनाया हुआ है वेरिएबल, BG अल्टरनेट करके ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये सारे कलर यहाँ पे इन्होंने बना के रखे हुए हैं, मैं जस्ट यहाँ से कलर चेंज करूँगा पूरी वेबसाइट में कलर चेंज हो जाएगा। ये जो ये वाला जो बैकग्राउंड है ये वाला, ये इसमें कहाँ मौजूद है, BG अल्टरनेट में है मेरे ख्याल, ये हाँ यही वाला है, सही है। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, नहीं हुआ दूसरे वाले को करता हूँ, अच्छा ये कंपाइल करना पड़ता है इसको एक्चुअली ना SCSS को, तो ये क्योंकि SCSS डायरेक्ट नहीं अटैच होता, कंपाइल होके अटैच होता है, तो इसको कंपाइल करने का भी तरीका इन्होंने बताया होगा कहीं ना कहीं। readme.txt कंपाइल करने का तरीका नहीं बताया होगा, ठीक है। वेल कंपाइल होने के बाद ना ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये कंपाइल वर्जन है इसका, क्योंकि SCSS डायरेक्टली ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं होता, डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं होता, ठीक है। तो SCSS को क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है एक नॉर्मल CSS फाइल में, फिर वो चलती है। तो आपने वहाँ से वेरिएबल चेंज करना है, दोबारा कंपाइल करना है, तो ये आपकी जो main.css है इसमें वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। यार अलग से चले जाओ, SCSS देख लो, SCSS getting started, कहाँ चला गया, ये रहा sas-language.com, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, सास करके, और इसको आप इंस्टॉलेशन, ये इसकी ऐसे बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ऐसे करके इंस्टॉल होता है, ये लाइब्रेरी के थ्रू इंस्टॉल होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ये रही इसकी
जो जो कुछ इसमें पॉसिबल चीज़ें ना वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो यहाँ से आपने जाके देख लेना है कि वो कैसे कंपाइल होता है। कमांड लाइन टूल होता है इसका एक छोटा सा, उसके ज़रिए ये कंपाइल होता है ये, ठीक है। और अल्टरनेटिवली आप ये भी लिख के गूगल कर सकते हैं कि हाउ टू कंपाइल SCSS, बट बेटर ये है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन से जाके उसको आप देखें वहाँ पे, क्योंकि वो और भी आगे पीछे की चीज़ें भी बता देगा आपको। हाँ रिस्पॉन्सिव उन्होंने बोला हुआ तो था कि है। अच्छा मैंने उसको बोला टैबलेट, तो ये टैबलेट पे ऐसी हो गई, ठीक है। और मोबाइल डिवाइस पे ये ऐसी हो गई, टॉप का मेन्यू ही गायब कर दिया इन्होंने, गुड। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे देखो इमेजेस की ना जगह इसने खाली छोड़ी हुई है, ठीक है। इमेजेस की जगह इसने पिक्चर वन डॉट JPG करके यहाँ पे देखो लगाया हुआ है, इमेज है ना, पिक्चर वन पिक्चर टू ऐसे करके लगाया हुआ है। अब पिक्चर वन का जो साइज़ है मुझे एग्जैक्ट उसी साइज़ में एक इमेज लगा के इसी नाम से यहाँ पे रख देनी है, तो वो पिक्चर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा मैं क्योंकि बना रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइनर की, चलो बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, अन स्प्लैश के ऊपर, इसी तरह फ्री स्टॉक की और भी हैं वेबसाइट्स, इंटीरियर डिज़ाइन करके लिखा मैंने यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे देखो एक अदद फोटो मिल गई, ठीक है, अच्छी सी फोटो मिल गई। इस अच्छी सी फोटो को मैं डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से, ये हम पहले कर चुके हैं, जस्ट एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये हम कई दफ़ा पहले ये काम कर चुके हैं, ठीक है। फोटोपिया में जाऊँगा और फोटोपिया में जाके मैं क्या कर दूँगा, इसको इधर ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा ड्रॉप करने के बाद मुझे उसका साइज़ देखना है ना, तो एक नया फोटोपिया खोल के मैं उसका साइज़ देख लेता हूँ, राइट। एक नया फोटोपिया खोल लेता हूँ, भाई देखा इसी में मैं दो टैब भी खोल सकता था ना, नया क्यों खोल रहा हूँ। इंस्पेक्ट से भी दिखेगा लेकिन यहाँ से बेहतर है, रिवील इन फाइंडर, और यहाँ से मैंने पिक वन को खोला उठाया और यहाँ पे लाके मैंने उसको ड्रॉप किया, तो ये भी इधर आ गया। अच्छा यहाँ पे आने के बाद इसका मैं साइज़ कैसे देखूँगा, फाइल में और इमेज में जाऊँगा, इमेज साइज़ पे क्लिक करूँगा, तो इसका जो साइज़ है वो ये 438x438 और 72 dpi है, ठीक है। 438x438 चाहिए मुझे, इसको बंद किया मैंने, वापस इस पर आया, इमेज पर गया, इमेज साइज़, ठीक है 438। अब 438 जैसे मैंने किया तो इसकी हाइट ना देखो 438 नहीं हुई है, क्योंकि ये स्क्वायर इमेज नहीं है, ठीक है। ये साइज़ कम करने के बाद इसको मैं क्रॉप करूँगा फिर हाथ से, ओके कर दिया मैंने, ओके करते ही ये कितनी छोटी हो गई, ठीक है। और अब मुझे इसको क्या करना है, क्रॉप करना है, क्रॉप मैं कर लूँगा इसको, फ्री की जगह मैं कहूँगा फिक्स रेशो, और 1:1 का फिक्स रेशो है, सही है, या फिक्स साइज़ मैं इसको बोलूँगा कि भाई 438x438, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये इमेज मुझे अल्टीमेटली इस तरह की मिल रही होगी। इस पर मैंने चेक लगाया और इसको मैंने कहा कंट्रोल एस और सेव चेंजेस का बटन दबाया, तो वो ओरिजिनल इमेज जो इस पर मैंने अपलोड की थी वही चेंज हो गई है। वो ओरिजिनल इमेज कहाँ थी मेरे पास, डाउनलोड्स में थी, ये आ गई वो इमेज। और इसको मैं नाम क्या दे दूँगा, ये पिक वन करके जो नाम था ना, यही नाम मैं उसको दे दूँगा। अच्छा वो एक पिक वन के नाम से रहेगी तो दो नहीं हो सकती ना, एक को मुझे डिलीट करना होगा, ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास ये फोटो आ गई एक, ये टेक्स्ट चेंज करना इस बटन के क्लिक पे क्या होता है वो चेंज करना नॉट अ बिग डील, है ना। बटन के क्लिक पे वो एक दूसरे पेज पे लेके जा रहा है मुझे, जिसका नाम है generic.html नाम है, ठीक है। अच्छा ये फॉर्म अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, हटाना चाहें तो आप इस पूरे सेक्शन को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर इस पूरे सेक्शन को आपने हटाना है तो आप क्या करेंगे, आप जाके वो कोड कमेंट कर देंगे या रिमूव कर देंगे, ये पूरा सेक्शन हट जाएगा यहाँ से, या अल्टरनेटिवली आप इस जगह पे कोई दूसरी चीज़ रखवा देंगे, ठीक है। उससे भी क्या होगा, वो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आके मैं
इस पूरे फॉर्म को मैं गायब करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये फॉर्म है ना, इस पूरे फॉर्म को मैंने गायब कर दिया, ठीक है। अगर मुझे वो फॉर्म नहीं चाहिए तो मैं वापस इसको जब खोलूँगा तो ये जगह खाली आ रही है, ठीक है। इस जगह को खाली से बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, खाली से बचाने के लिए मैं देखूँगा कि इसको खाली किया कैसे इन्होंने। यहाँ पे एक बॉक्स है, एक्चुअली सेक्शन बना हुआ है एक, ठीक है, यहाँ पे दो सेक्शन बने हुए हैं, तो मैं इस सेक्शन को ही उड़ा दूँगा पूरे को, तो ये जो खाली जगह थी ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक ये लाइन लगी हुई है दोनों सेक्शन के दरमियान में, इस लाइन को भी मैं हटाने की कोशिश करूँगा। ये कैसे लगाया इसने लाइन यार, अच्छा इस पे स्प्लिट करके क्लास इसने दी है शायद, ये इस तरह से लग रहा है, स्प्लिट वाली क्लास से ये लग रही है लाइन, ठीक है, स्प्लिट की क्लास हटाई तो वो लाइन भी ख़त्म हो गई। अब इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ करता था पहले, ठीक है, गायब हो गया वो पूरा का पूरा। तो टेम्पलेट्स पे काम करना भी जो है क्या करता है, टाइम को बचाता है, लेकिन टेम्पलेट्स में आमतौर पे स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें लगी हुई होती हैं, जैसे SCSS आपने देखा लगा हुआ है, जैसे कि उसने पता नहीं कौन सा CSS का फ्रेमवर्क यूज़ किया है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसकी फाइल में कहीं नाम मेंशन भी नहीं है, तो आपको देख के अंदाज़ा लगाना होता है कि अच्छा यार ये फलां फ्रेमवर्क है। अब अगर मिसाल के तौर पर ये एक कंपोनेंट है, ये एक बटन है, अब आपको इस बटन में कुछ ऐसा प्राइमरी डेंजर वेंजर टाइप की कोई चीज़ चाहिए अगर, जो फ्रेमवर्क्स में आमतौर पर होती है, तो अब आपको यही नहीं पता कि ये फ्रेमवर्क लगा हुआ कौन सा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसमें एक बिल्कुल एडिशनल नया पेज अगर ऐड करना है तो आपको एग्जिस्टिंग पेज से ही एक नया पेज बनाना होगा, एंटायरली आप नया पेज फ्रॉम स्क्रैच नहीं बना सकते खुद से, ठीक है। तो जैसा CSS फ्रेमवर्क के प्रोज एंड कॉन्स थे जो बूटस्ट्रैप हमने पढ़ा, इसी तरीके से टेम्पलेट पे काम करने के भी प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। टेम्पलेट पे काम करने का सबसे पहला प्रो ये है कि टाइम बहुत बचा देता है ये, आपको पूरी रेडीमेड वेबसाइट मिल जाती है, और जो काम आप एक हफ्ते में करते हैं वो एक घंटे में निपट सकते हैं, ठीक है। और डाउनसाइड ये है कि वो जितना उसने बना के दे दिया ना उतने तक ही रहेगा वो, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकते आप। मिसाल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करेंगे, ये चार पेजेस हैं ना, इसकी जगह पाँचवा बना देंगे आप, एक पाँच पेज बना देंगे जो कि इन्हीं में से किसी से डिराइव्ड होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये पांचवा सेक्शन है गेट इन टच, अब मुझे इससे पहले अगर एक सेक्शन और चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये हु वी आर वाले को ही डुप्लीकेट करूँगा तो वो एक और सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक्स लगाए हुए होंगे इन्होंने चार, वहाँ पे बीच में एक और लिंक लगा दूंगा तो पाँच हो जाएगा। तो इस हद तक की कस्टमाइजेशन तो बहुत हो जाती है ईजिली, लेकिन जब डिटेल्ड आपको मिसाल के तौर पर कोई चार्ट डिस्प्ले करवाना है, कोई टेबल डिस्प्ले करवानी है जो पहले है नहीं इसमें, अब वो टेबल की CSS को आपको मैच करना पड़ेगा इस पूरे कलर एक्सेंट से, जब जाके वो ढंग से दिखेगी, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए टेम्पलेट पे काम करना समटाइम, ठीक है। स्टिल इन तमाम सिचुएशंस में ना एक चीज़ कांस्टेंट है कि अगर आपको रॉ CSS आती है, प्लेन CSS, प्लेन HTML आपको अच्छे से आता है, तो आप इनमें से कहीं पे भी स्टक नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे आप। अगर आपको प्लेन CSS नहीं आती है, यही वजह है कि ये वाले टॉपिक्स मैं लास्ट में आधी क्लास में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, यही वजह है कि ये आना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लेन CSS और प्लेन JavaScript आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी उसमें हमने तकरीबन 10-12 क्लासेस में वो सीखा है, और ये हम एक क्लास के आधे हिस्से में स्प्लिट करके बूटस्ट्रैप और ये टेम्पलेट सीख रहे हैं। अच्छा, इसमें किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज हम क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। अच्छा, एक टेम्पलेट और देख लेते हैं हम। चलो, टेम्पलेट सर्च करते हुए ना आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे टेम्पलेट बूटस्ट्रैप का चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि बूट स्ट्रैप टेम्पलेट्स, ठीक है, तो ऐसे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो बूट स्ट्रैप पर बने हुए होंगे, तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि अच्छा यार इसमें बूट स्ट्रैप का टेम्पलेट, बूट स्ट्रैप का फ्रेमवर्क इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये बूट स्ट्रैप पर बने हुए टेम्पलेट्स हैं। ठीक है जी, कोई एक इस पे से हम उठा लेते हैं, ये फ्री जो इस पर लिखा हुआ रहा है ये उठाते हैं, इसका लाइव प्रीव्यू ज़रा देख लेते हैं। है लाइव प्रीव्यू, यस। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, ये सर्च बॉक्स जो इस्तेमाल हुआ हुआ है, देख के फील हो रहा है कि ये वही बूटस्ट्रैप वाला है ना,
सही है, तो ये वही बूट स्ट्रैप है, इसके जो आइकन्स हैं वो सारे बूट स्ट्रैप आइकन्स में से लगा कर दिखाए हुए उन्होंने। ये जो बैज है ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये बूट स्ट्रैप का बैज है, ठीक है। ये प्रोग्रेस बार वगैरह ये सारी उसमें से उठाकर लगाई हैं चीज़ें, ठीक है। प्राइमरी सक्सेस वार्निंग डेंजर देख रहे हो, बटन्स कार्ड्स, ठीक है, ये बूट स्ट्रैप से पूरा का पूरा इसने उठाया है। अच्छा ये एक एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल 90% ऑफ द टाइम ना टेम्पलेट से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब एडमिन पैनल में ना इसने एक तो देखो स्क्रीन पूरी बना के दे दी है कि भाई इस तरह का कुछ होगा यहाँ पे। इसके बाद अगली स्क्रीन में ना कंपोनेंट्स दिए हैं इसने कि भाई ये कंपोनेंट्स हैं, बटन ऐसे ऐसे करके आप लगाओगे ना, बटन सर्कल लगाओगे तो ऐसे सर्कल वाले बटन आ जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने ये भी अब यहाँ पे नोटिस किया कि टेम्पलेट हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पूरी बनी हुई वेबसाइट होगी, वो एक आपको एक फ्रेमवर्क दे देता है टू स्टार्ट विथ। तो टेम्पलेट इस तरह के भी हो सकते हैं और इसी तरह के होते हैं, जो एडमिन पैनल में हमारी मजबूरी होती है कि हम टेम्पलेट से स्टार्ट करें। उसका रीज़न ये कि एडमिन पैनल में बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होता है डिस्प्ले करवाने के लिए, अगर उसको हम फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। पेजेस इसने कुछ बना के रखे हुए, देखो लॉगिन का पेज बना के रखा हुआ है इसने, लॉगिन का पेज इस तरह का हो सकता है इसका, ठीक है। रजिस्टर का पेज इस तरह का बनाया हुआ है इसने, हाँ मोबाइल पे इस तरह दिखेगा ये, सही है। विजुअल हायरार्की में इन्होंने डॉग को पहले रखा हुआ है। और पेजेस में क्या बनाया हुआ है इसने, 404 का एक पेज बनाया हुआ है, ब्लैंक पेज एक बनाया हुआ है, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड का पेज इस तरह का है इसका, सही है। सब इन्होंने बोला सब दिखाएंगे हम, टेबल्स जो हो सकती हैं पॉसिबली, टेबल बना बना के रखी हुई है कुछ यहाँ पे, चार्ट्स बना के रखे हुए हैं कुछ, कहीं पे भी आपको ये चार्ट चाहिए हो आप इसको उठा के प्लेस करेंगे वहाँ पे लग जाएगा। अच्छा हमने एक चीज़ और नहीं पढ़ी है, आइकन्स नहीं पढ़े हमने, आइकन्स पढ़े हमने फॉन्ट ऑसम बूटस्ट्रैप आइकन्स वो नहीं पढ़े, वो हम पढ़ लेते हैं आखिरी के 10 मिनट में। जी कुछ कह रहा है कोई, क्या नहीं होगी, नहीं नहीं स्लो नहीं होगी, स्लो नहीं होगी, स्लो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अंडर द हुड वो प्लेन सीएसएस को ही इस्तेमाल कर रहा है और सीएसएस में एग्जिस्टिंग चीज़ें उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी फाइल लोड हो रही है लेकिन वो एक दफ़ा लोड होती है बस, वो एक दफ़ा लोड हो जाती है ना तो पहली दफ़ा, अच्छा मोस्ट प्रॉब्ली वो फाइलें यूज़र के पास पहले से मौजूद होंगी, ये भी एक बात है, क्योंकि CDN लगाने का एक बेनिफिट यही बेनिफिट है कि वंस एक URL पर रिक्वेस्ट जाती है और वहाँ से कुछ डेटा आता है तो अगली दफ़ा उसी सेम URL पे जब रिक्वेस्ट जाती है ना तो वो डेटा दोबारा गूगल क्रोम लेकर नहीं आता, वो कैशे में से उठा के लाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि वो फाइलें यूज़र के कंप्यूटर में पहले से हों, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट में बूटस्ट्रैप इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ आपकी वेबसाइट में नहीं हो रही है, ठीक है। एक तो ये होगा, दूसरा ये कि मिसाल के तौर पर वो नहीं भी है, पहली दफ़ा आपकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो लोड होगी लेकिन अगली दफ़ा में वो क्योंकि लोड हो चुका होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, उन्होंने अलग अलग फाइलें भी आपने देखा दी हुई थी CSS की अलग अलग फाइलें, तो अगर आप कोई खास फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं बूटस्ट्रैप में से तो आप सिर्फ वो वाली फ़ाइल उठा लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, पूरा CDN नहीं लगाएंगे। वो उसने तरीका बताया हुआ है, तो उससे ये होगा कि जितना आपको चाहिए उतना ही डेटा आप लोड कर रहे होंगे, एडिशनल डेटा लोड नहीं कर रहे होंगे। अच्छा तो बूटस्ट्रैप वाला टेम्पलेट हमने देख लिया, इसको जस्ट डाउनलोड का बटन दबाएंगे आप, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा जैसे वो हुआ था। टोटल पूरी की पूरी वेबसाइट ये 6 MB की वेबसाइट, क्लिक कर दिया इसके ऊपर मैंने, ठीक है जी। और इसको अब मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके लेकर आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर में, और मैं इसको यहाँ CSS की फाइल में लाके छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं इसको कहूँगा 13 बूटस्ट्रैप टेम्पलेट, सही है। इसके चलते हैं जी हम इंडेक्स के पेज पर। अब इसमें देखो एक चीज़ इस्तेमाल हुई थी गल्प, अब गल्प क्या चीज़ होती है वो हमने डिस्कस नहीं किया इस क्लास में, ठीक है, करेंगे भी नहीं। तो ये अब देखो गल्प इसमें लगा हुआ है, ठीक है। गिट इग्नोर लगा हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये गिट वगैरह ये चीज़ें ना, ये बहुत सारी स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें इसमें लगी हुई होती हैं टेम्पलेट में, गिट इग्नोर डिस्कस नहीं किया। गिट इग्नोर में हम जब गिट हब में किसी भी प्रोजेक्ट को भेजते हैं तो अगर हम ये चाहते हैं ना कि कुछ फाइलें गिट हब में ना जाएं तो उनका नाम लिख देते हैं यहाँ पे आके,
तो वो फाइलें फिर गिटहब में नहीं जाती हैं, सही है। तो गिट इग्नोर का ये चक्कर है। अब इन्होंने नॉट मॉड्यूल्स के नाम से एक फोल्डर है जिसको गिट इग्नोर में डाला हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ मौजूद भी नहीं है। वेल, अब वो आएगा कैसे, अब वो भी एक चक्कर है। वेल, नॉट मॉड्यूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है ये तो वेबसाइट चलेगी भी नहीं इसके बगैर। चलो चला के देखते हैं। अच्छा, चल गई वायर, ठीक है, ये चल गई भाई, कंपोनेंट, ये टेम्पलेट मेरा चल गया। यहाँ पे एस बी एडमिन इसने लिखा हुआ है, ठीक है, ये एस बी एडमिन को मुझे हटाना है अगर, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं जाके कंट्रोल एफ करूँगा और एस बी एडमिन को जो है चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये चार पांच पेजेस हैं और ये रहा एस बी एडमिन टू जो लिखा हुआ है, इसको हटा के मैं कुछ भी यहाँ पे नाम लिख दूँगा, मैं सही है। अच्छा, एस बी एडमिन जो है वो 12 जगहों पे इस पेज में मज़ीद लिखा हुआ है, तो वो जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे पेज में कहीं ना कहीं वो दिख रहा होगा, तो आपको एक्चुअली सबको जाके चेंज करना होगा। जब ही वो तमाम जगहों से चेंज होगा, देखो अभी यहाँ वाला चेंज नहीं हुआ है, पता नहीं कौन सा वाला हुआ है, ठीक है, तो वो पेज में 12 जगह पे लिखा हुआ है, तो आपको ढूंढ के उन सबको रिप्लेस करना होगा। फिर जहाँ जहाँ पे आपने अपना कंटेंट लगाना है वहाँ पे अपना कंटेंट लगाएंगे, जब जाके आपकी वेबसाइट तैयार होगी, ठीक है। जो नॉट मॉड्यूल की फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही है ना, वो कैसे शो होती है वो बता देता हूँ मैं। इस फोल्डर में जाओगे, सीडी सीएसएस क्या था, 3 टर्मिनल के ऊपर हूँ मैं, ये टर्मिनल में मैं उस फोल्डर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, CD13 टैब एंटर, और यहाँ पे आके मैं npm i लिखूँगा ना, तो वो नॉट मॉड्यूल की फाइल इंटरनेट से डाउनलोड हो के आएगी, सही है। और इस प्रोजेक्ट को चलाने का जो प्रॉपर तरीका है, वो प्रॉपर तरीका ये है कि मैं npm स्टार्ट करके उसको चलाऊँगा, सही है। अब ये नॉट जे एस के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो npm स्टार्ट करके चलते हैं। नॉट जे एस हम जावास्क्रिप्ट के बाद जब सर्वर पढ़ेंगे तब हम नॉट जे एस को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। अच्छा, अभी ये GYP का कोई एरर भी दे रहा है। वेल, अच्छा जी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आइकन्स का एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया कि आइकन्स कैसे ऐड होते हैं। आइकन्स बने बनाए इंटरनेट से मिलते हैं आपको। फॉन्ट ऑसम इज़ द मोस्ट पॉपुलर। बूटस्ट्रैप के भी आइकन्स हैं, मटेरियल के भी आइकन्स हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं, तो वो हम थोड़ा सा ना 5 मिनट में ना नेक्स्ट क्लास में वो लगा के देख लेंगे। उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे, ठीक है जी। आप सब लोग अब नमाज पढ़ने चले जाएंगे।